हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के किस प्रकार से फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब एक 80 मीटर चौड़ी, मतलब समझ जाइए दोस्तों कि 80 मीटर लंबा सड़क बनाने से पहले क्वेश्चन को समझिए, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क यानी एक 80 मीटर लंबा सड़क, चौड़ा का मतलब होता है दोस्तों लंबा, या कि 80 मीटर, हाँ 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, यानी जो 80 मीटर लंबा जो सड़क है उसके आमने सामने इस साइड और इस साइड दोनों साइड समान लंबाई का दो खंभा, जैसे कोई बिजली खंभा, कोई भी खंभा लगा हुआ है, और दोनों खंभे, और इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु, और इन दोनों खंभे के बीच में कोई सड़क में एक बिंदु दे दिया गया है, और बिंदु से खंभों का शिखर, जो खंभों का ऊंचाई वाला भाग, क्यों उन्हें पर 60 डिग्री पर बनता है और 21 डिग्री पर, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी कि वहां से बिंदु, जो बिंदु दिए हैं सड़क के बीच में, वहां से कितना दूर खंभा है सो निकालना है, खंभा कितना ऊंचा है दोनों खंभा वो निकालना है। देखिए, दोनों खंभा सेम है, नहीं सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क था, सबसे पहले हमें 80 मीटर एक चौड़ी चौड़ी सड़क ले लेते हैं। मान लीजिए 80 मीटर चौड़ा सड़क है और समान लंबाई का आमने सामने समान है दो खंभा है, तो एक खंभा जितना लंबा है, देखिए एक खंभा जितना लंबा है उतना लंबा, दोनों खंभा की लंबाई क्या है, दोनों खंभा की लंबाई सेम है। देखिए, एक खंभा जितना लंबा है उतना खंभा, दोनों दोनों खंभे की लंबाई सेम है, और जो है स्वयं किसी बिंदु पर सड़क के कोई एक बिंदु है जो एक 60 डिग्री का कोण बनाता है और एक 30 डिग्री का, एक खंभा जो है सो कितना डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री, तो जो 60 डिग्री उसको थोड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा और जो 30 डिग्री उस थोड़ा एक लंबा साइड का बनाना पड़ेगा, तो 60 वाला हम थोड़ा एक ऊंचा टाइप का बना दिए, यानी ऊंचा से देखना पड़ेगा, और 30 डिग्री थोड़ा एक लंबा टाइप का बनाना पड़ता है, ये 60 डिग्री ज़्यादा माथा उठाना पड़ता है और 30 डिग्री कम माथा उठाना पड़ता है, तो खंभे की ऊंचाई यानी ये खंभा जितना है दोनों खंभा बनाओ, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना, अरे जो बिंदु दिए हैं ये बिंदु के यहाँ से यहाँ कितना दूरी है और ये बिंदु से यहाँ से कितना दूरी सो निकालना है खंभे की ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ पूरा दोस्तों 80 मीटर लंबा जो है सड़क, चौड़ा मतलब लंबा होता है, सड़क चौड़ा नहीं लिया जाता है, वो अभी फिगर में ड्रॉ करेंगे तो सड़क चौड़ा नहीं लिया जाता है, सड़क लंबा ही लिया जाता है। ठीक है, अब इसका हम नामकरण करते हैं। देखिए, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम डी दे दिए, इसका नाम ई दे दिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आमने सामने दोनों खंभे के बीच का एक बिंदु है, यानी दोनों खंभा जो है समान लंबाई का है, क्या है समान लंबाई, यानी हमें ये बी बराबर डी है, यानी जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा डी है, यदि हम ए बी का एक का मान निकाल लेते हैं तो दूसरा खंभा मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, यानी कि ए बी बराबर क्या है डी, यानी ये खंभा जितना लंबा है उतना लंबा ये है, यानी यदि एक का भी हम खंभा ऊंचाई निकाल लिए तो दूसरा खंभा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखिए दोस्तों, समझने वाला बात है, ये पूरा जो सड़क है, सड़क कितना है पूरा यहाँ से लंबा है 80 मीटर, ठीक है यहाँ से यहाँ पूरा 80 मीटर है, कंप्लीटली पूरा 80 मीटर है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक यानी ई सी यानी छोटा त्रिभुज 60 डिग्री वाला का हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यहाँ से हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ ई से सी तक हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक्स है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, मान लीजिए एक्स है, हेलो।
यहाँ से यहाँ एक्स है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ मेरा हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। कैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ यदि 2 है और ये पूरा लाइन की लंबाई 6 है, तो यदि हम 6 यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ से यहाँ निकालना, तो यदि 6 में 2 घटा देंगे तो जो बचा 4, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ 4। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ एक्स है और यहाँ पूरा लंबाई 80 है, तो 80 में यदि हम एक्स घटा देंगे तो जो बचे यानी तो 6 में 2 घटा दिए तो जो बचा सो यही बचा। इसी प्रकार यहाँ से एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यही समझने वाला बात है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 है और पूरा है 6, तो 6 में यदि हम 2 घटा देंगे तो जो बचा यानी 4 वो यहाँ से यहाँ लगे लंबाई बची यानी घटाने पर बचा, तो इसीलिए 80 में एक्स घटा दिए तो यहाँ यहाँ लंबाई निकल गया। इसीलिए माना कि क्या मान लिए इसी बराबर क्या माना कि ई सी बराबर एक्स, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स हो गया। अब सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज क्या लेते हैं ए बी सी, ठीक है ए बी सी त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी लिए। ए बी सी में हमें देखिए क्या दिया है, बी दिया है और पी निकालना है, बी दिया है पी निकालते हैं। पी बाई बी किस फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब जितना इसमें हाइट एंड डिस्टेंस बनाएगा दोस्तों सब में टेन थीटा ही होगा। पी दिया है, बी दिया है, पी निकालना है, एक फॉर्मूला सेट करते हैं, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए। पी पी मेरा क्या है ए बी, ए बी दिए। बी मेरा क्या है बी सी, बी सी दिए, ठीक है। अब देखिए 10 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, और ए बी मेरा पता नहीं है लेकिन बी सी हमें पता है 80√80 माइनस एक्स। अब देखिए इस तरह जब इक्वल आ जाता है तो हम एंगल साइड गुना करते हैं, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो √3 को हम ए बी के साथ गुना करेंगे और 1 को इससे गुना करेंगे तो ही आएगा, उनका को मान नहीं रहता है। और यदि ए बी हम निकालेंगे देखिए तो क्या होगा, ये 80 माइनस एक्स और ये बटा में चल जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे एक्स का मान पहले भी बताए थे, ये आप समझ गए होंगे, उन्हें समय तो एस सपोर्टर का वीडियो पूरा देखें, छोटा छोटा चीज़ समझ में आ जाएगा। ए बी का मान मेरा कितना निकल गया 80 माइनस एक्स, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, जब ए त्रिभुज हो गया, अब त्रिभुज हम लेंगे डी ई सी, त्रिभुज डी सी में, अब देखिए दोस्तों इसमें भी हमें बी पता है, पी निकालना है, तो पी बटा बी कौन फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा सेट करते हैं, पी बाय बी, थीटा का मान कितना है दोस्तों 60 डिग्री, 60 डिग्री दी। पी मेरा क्या है, पी है डी और बी क्या है, बी मेरा ई सी है, ई सी। 10 60 डिग्री मान दोस्तों √3 होता है, ठीक है, क्या होता है √3, और डी डी हमें पता नहीं है, और ई सी, ई सी कितना है एक्स है, ई सी एक्स दी, यहाँ कुछ नहीं दिया है 1 है। अब यहाँ क्या होगा एंगल साइड गुना होगा, यानी डी 1 के साथ गुना होगा और √3 x के साथ गुना होगा, यानी डी बराबर √3 x हो जाएगा, यानी डी और ए बी दोनों निकल गया। देखिए
अब डी और ए बी दोनों का मान निकल गया है, डी और ए बी का मान निकल गया है। अब देखिए ए बी बराबर डी यानी दोनों क्या है, बराबर है। इसको देख चूंकि शॉर्ट में लिख देते हैं कि ए बी बराबर क्या है, डी है, यानी दोनों बराबर है। हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर लिख देते हैं, या सी माइनस एक्स, इसको हम समीकरण नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे कोई को प्रभाव नहीं पड़ता है। इक्वेशन वन नहीं होता तो कोई छोड़ दीजिए, इक्वेशन का जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ √3 है और डी का मान √3 x है। देखिए यहाँ कुछ नहीं क्या है, 1 है। अब यहाँ क्या होगा, एंगल साइड गुना एंगल साइड, इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 3 यानी √3 √3 मिलकर 3 x हो जाएगा, और 1 से इसको गुना करेंगे तो 80 -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यदि बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये मेरा 80 बच जाएगा। अब देखिए इस तरह बनाते हैं, इधर साइड है रफ, देखिए तो 3 और 1 4 x हो जाएगा, 3 x हो जाएगा, 4 x और इजकल टू 80। x का मान निकालेंगे तब 80/4 यानी 4 से काटेंगे, 4 से 4 × 2 = 8 यानी 20, कितना निकल गया एक्स का मान, 20। एक्स का मान 20। अब हमें ए बी यानी खंभे की ऊंचाई निकालना, ए बी यानी मान लें इक्वेशन माने हैं जो वन मान सकते हैं, नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं मान लिए तो समीकरण 1 से, 1 से क्या है ए बी बराबर, हमें एक्स के मान पता होगी 20, एक्स का मान है 80/√x/√3। अब यहाँ सेट करते हैं 80 80 80, एक्स का मान 20, तो 20 लिखते हैं √3 का √3, 60 बच जाएगा, 18 20 जाएगा तो √3। अब 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो बोलो कोई भी चीज़ रूट से यदि हम काटेंगे तो रूट वाला ऑटोमेटिकली उसके साथ उतर जाता है, यानी ए बी बराबर मेरा निकल गया 20√3 मीटर। यानी खंभा का ऊंचाई जो ए बी है और डी ए दोनों क्या है, ए बी बराबर डी, ये खंभा की ऊंचाई ये दोनों कितना है, 20√3 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई हमें पता चल गया कि 20√3 यानी यह भी 20√, दोनों बराबर 20√। अब हमें पता करना है ई सी, यानी यहाँ की मान भी पता चल गया, एक्स का मान 20 है, यानी यहाँ से दूरी कितना है, बिंदु की दूरी 20 यहाँ से, अब ये निकालना है बी सी, बी सी निकालना है। देखिए ई सी तो हमें पता है बिंदु के बीच की दूरी ई सी कितना है, ई सी बराबर एक्स माने है, ई सी बराबर देखिए एक्स माने है, तो एक्स तो मेरा 20 है। अब बी सी निकालना है तो बी सी हम क्या माने, 80 - x, तो 80 का 80 मेरा है और एक्स का मान कितना है, 20 20। अब बस ये कितना 60, यानी 20 और 60 ये आंसर मेरा ये होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा तो जरूर बोलें।